हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास सिक्स हिंदी लिटरेचर का जो चैप्टर फोर है, कविता घर बनता है घर वालों से, इस कविता का मौखिक और लिखित दोनों ही क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में देंगे। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम, घर बनता है घर वालों से कविता का प्रश्न उत्तर दीजिए। तो चलिए, हम आपका डिमांड को पूरा करते हैं और आपको मौखिक और लिखित दोनों क्वेश्चन आंसर को बताते हैं। तो चलिए, हम आपको क्वेश्चन आंसर को बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घर कैसे बनता है? उत्तर, घर बनता है घर वालों से, अर्थात घर में रहने वाले सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में, घर मकड़ी के जालों से कब भर जाता है? उत्तर है, जब घर में रहने वाले कोई ना हो, तब घर मकड़ी के जालों से भर जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, घर सवालों से कब घिर जाता है? उत्तर है, घर में रहने वाले लोग जब एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, तब घर सवालों से घिर जाता है। तो यहाँ मौखिक का जो बुक में मौखिक क्वेश्चन तीन था, उसका आंसर को हम दे दिए हैं, ठीक है। अब चलिए, हम आपको लिखित प्रश्न उत्तर को बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई मकान घर कैसे बनता है, कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर देखिए, कविता के अनुसार कोई मकान तभी घर बनता है जब उसमें रहने वाले लोग हो, उसमें रहने वाले लोग हो। घर में भाई भाई में, ननद भाभी में प्रेम हो तथा छोटे बच्चों की किलकारी से घर गुंजायमान हो, यानी गूंजते हो। गुंजायमान अगर आप नहीं लिखोगे तो यहाँ गूंजते हो भी आप लिख सकते हो, तभी कोई मकान घर बनता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि घर सवालों से ना घिरे? उत्तर देखिए, हमें आपस में दुश्मनी ना रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने से घर सवालों से नहीं घिरेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल खिड़की में उजियारा हो, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का तात्पर्य है कि घर वालों के दिल में किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, सभी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, सभी के दिल में उसी प्रकार उजियारा हो। उजियारा मतलब बच्चों क्या होता है? प्रकाश। उजियारा हो जैसे सूर्य की रोशनी सभी को प्रकाशित करती है बिना भेदभाव के, यानी बच्चों सूरज अपना प्रकाश को फैलाते हैं, सभी को अपना रोशनी को देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार घर में रहने वाले हर सदस्य को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। फोर नंबर देखिए क्वेश्चन, घर को भूचालों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर देखिए, घर को भूचालों से बचाने के लिए घर के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर में, घर बनता है घर वालों से कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर है घर बनता है घर वालों से। कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी मकान पारस्परिक स्नेह और अपनेपन से एक खुशहाल घर बन सकता है, जबकि लड़ाई झगड़ा और शत्रुता की भावना उसे नष्ट कर सकती है। तो बच्चों, सारा क्वेश्चन आंसर को हम दे दिए हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई भी पढ़ाई का जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका डिमांड को पूरा करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।